हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रिचा। आज के इस वीडियो में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, क्लास 11th की। इसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे बेसिक से। तो फर्स्ट इसमें हम पढ़ रहे हैं IUPAC नॉमनक्लेचर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सी रिएक्शंस होती हैं जो हमको समझने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमको बेसिक रूल्स पढ़ने पड़ेंगे और IUPAC नॉमनक्लेचर में, इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। IUPAC नॉमनक्लेचर में फर्स्ट फर्स्ट है हमारा बेसिक एल्केन। बेसिक एल्केन के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूट और साइक्लो एल्केन्स, जो ये बेंजीन के फॉर्म में रहेंगे। थर्ड है हमारा एल्कीन एल्काइन साइकिल, डबल बॉन्ड में रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकता है। फोर्थ हमारा है इसमें फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। फिफ्थ है एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन एसिड एंड अमाइड। ये पूरा हम किसके कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिक्स पॉइंट है हमारा पॉली फंक्शनल ग्रुप। सेवन्थ पॉइंट है बेंजीन, बेंजीन हमारा आएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स में। उसके बाद एट्थ है हमारा बाईसाइक्लो और नाइन्थ है स्पायरो। तो ये वाले सारे पॉइंट्स हैं हमारे, ये हम किस में कवर करेंगे IUPAC नॉमनक्लेचर में। ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर होंगे, वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे विथ इट्स बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पर देखिए IUPAC के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है IUPAC का। इसमें हमारे क्या है, थ्री पार्ट्स हैं। थ्री पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, प्रीफिक्स वर्ड रूट एंड सफिक्स। इसके थ्रू हम कोई भी हमारी रिएक्शन का पूरी रिएक्शन बनाएंगे, उसका IUPAC नेम लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारा इसमें आएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम इसको डिवाइड, ये है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 1 डिग्री में हमारा क्या आएगा, साइक्लो बायसाइक्लो और स्पायरो। एंड 2 डिग्री में आएगा ब्रांच सब्सटीट्यूएंट्स। आफ्टर डैट क्या है, वर्ड रूट। वर्ड रूट में हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में हमारे कितने कार्बन है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वर्ड रूट में। आफ्टर डैट सफिक्स, सफिक्स में भी हमारा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री आएगा। 2 डिग्री में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आएंगे। और 1 डिग्री में आएगा टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये हमारा क्या है, ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमारे IUPAC के इसमें आएंगी। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी इसके अकॉर्डिंग ही हम रिएक्शंस इसकी बनाएंगे। इसके बाद हम IUPAC की क्या है, वन बाय वन रूल स्टडी करेंगे कि कैसे हमको उसकी नेमिंग करना है, क्या उसमें हमारा सरनेम सफिक्स यूज़ होगा। तो वन बाय हम उसको स्टार्ट करेंगे। ये वाले हमारे देखिए, ये हमने इसमें लिया है 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमारा आएगा सब्सटीट्यूएंट प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स में आएगा साइक्लो बायसाइक्लो। वर्ड रूट में हमारा यहाँ आएगा नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन में हम मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये तीनों मतलब कुछ भी इसमें हम ले सकते हैं, कार्बन एटम्स इसमें अटैच होंगे। आफ्टर डैट क्या है, 1 डिग्री सफिक्स। तो इसमें क्या आएगा, हमारा टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसमें हमारे बॉन्ड में हम क्या है, थ्री टाइप्स के हमारे कार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें हमारा क्या है, एन इन और आइन, ये तीनों हम इसमें ये हमारे हम लेंगे कार्बन बॉन्ड्स। उसके बाद है 2 डिग्री सफिक्स, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हमारे क्या है, इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप आएंगे, एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में सब पढ़ेंगे। ये वाला हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे, हमारी जो भी रिएक्शंस हैं कंपाउंड्स की वो हम इसमें बनाएंगे। कार्बन एटम्स में हमारे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये सब आएंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड में एन इन वाइन तीन हमारे आएंगे, विच डिनोट्स सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद क्या है, फंक्शनल ग्रुप में हमारे एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन्स सेट्रा ये काफ़ी आएंगे। उसके बाद हम ये सब्सटीट्यूएंट्स पढ़ेंगे, जो हमारे ये ब्रांचेस हैं।
तो इसमें अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स यूज़ होते हैं काफ़ी। तो इसमें देखिए मैंने बहुत सारे इसमें लिखे हैं। फर्स्ट है NO2, दैट इज़ नाइट्रो। एक्स हम डिनोट करेंगे हेलोजन्स के लिए। सो हेलोजन्स में हम क्या क्या ले सकते हैं? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये सब किसके अंदर आएंगे? हेलोजन्स में। तो ये देखिए हेलोजन्स हम एक्स से डिनोट करेंगे, ये हमारा क्या है? हेलोजन्स। तो इसमें हमारा आएगा क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, एंड डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा क्या आ जाएगा? नाइट्रोसो। एंड डबल बॉन्ड ओ क्या है? नाइट्रोसो है। N3 अजीडो, N3 को हम अजीडो और एजो से डिनोट करेंगे। NO2 यहाँ पर हमारा क्या है? नाइट्रो। उसके बाद हमारा R क्या है? यहाँ एल्काइल ग्रुप है। CH3 मिथाइल है। C2H5 इथाइल, C3H5 प्रोपाइल, और अगर हम ये लेते हैं CH2, यहाँ पर हमारी कितनी है? कार्बन की हमारी 4 वैलेंसी इसमें वैकेंट रहती है। सो यहाँ पर देखिए हमने सपोज़ ये हमारा एक बॉन्ड है, और यहाँ पर तो हमको वैलेंसी पूरी करने के लिए इसको 2 यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ हमारा एक ही कार्बन में, तो यहाँ पर हमारा जाएगा CH3। सो इसमें हमारा ये हो जाएगा N प्रोपाइल। उसके बाद हमने लिया है CH3। अगर यहाँ पर हमारा बॉन्ड अटैच है तो ये हमारा कंपाउंड क्या कहलाएगा? आइसो प्रोपाइल। तो ये वाले सारे हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे रिएक्शंस बनाने के लिए। उसके बाद क्या है हमारे, ये भी हमने ग्रुप लिए हैं CH3, CH2, CH2, CH2। ये हमारा क्या है? 4 कार्बन एटम है और N अप टू N तक इसको हमने लिया है। तो N हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? N ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन एटम है इसलिए हमने N ब्यूटाइल लिया है। OR हमारा क्या है? एल्कॉक्सी ग्रुप हो जाएगा। OCH3 हो जाएगा मेथॉक्सी। OC2H5 इथॉक्सी। OET ये हमारा हो जाएगा इथॉक्सी। फिनाइल क्या होगा हमारा? बेंजीन रिंग में ये देखिए 4-5 हमारे कार्बन एटम है, और उसमें ही हमने हाइड्रोजन भी अटैच करा है। और यहाँ फर्स्ट हमारा हो जाएगा C6H5। C6H6 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक हमारा हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हमारा हो जाएगा C6H5। तो ये फॉर्मूला हमारा इसमें क्या डिनोट करेगा? ये फिनॉल। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हमारे मेन चेन में रहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, उसको डिनोट करेंगे। तो वो हमारा क्या आ जाएगा? वर्ड रूट। तो इसमें हम कितने कार्बन यूज़ कर रहे हैं और हर एक कार्बन का क्या नेम हम यूज़ करेंगे रिएक्शन लिखने में, सो वर्ड रूट के अंदर ये हमारा पूरा आएगा। तो 1 कार्बन एटम हमारे पास है तो उसको हम लिखेंगे मिथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा इसमें ये पूरा डिनोट कर दिया है। और ये देखिए 1 कार्बन में मिथ आएगा, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। उसके बाद हमने 10 के बाद लिया 11 कार्बन अनडेक, 12 कार्बन डोडेक, 13 कार्बन ट्राइडेक, अप टू ये हमारा आ जाएगा 20C आइकॉस, 21C हैनियसस, 30C आएगा ट्राइसेंट, 40C आएगा टेट्राकेंट। सो जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, जो IIT JEE के लिए और नीट के लिए ये इसमें से आपको आ सकता है। बाकी अगर हम नॉर्मल 11th 12th की बात करें तो ये वाला आपको सिर्फ 10th तक ही हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा ज़्यादा ये यूज़ में नहीं आता। तो ये हमारे वर्ड रूट में हमारे क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएंगे मेन चेन में। ये हमारे सारे क्या हैं यहाँ पर कार्बन को डिनोट करेंगे, तो उसके हिसाब से इसके नाम हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? कार्बन कार्बन बॉन्ड इन मेन चेन। कोई भी हमारी मेन चेन है तो उसमें हम कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे डिनोट करेंगे उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या है? 3 पार्ट्स हम लेंगे, एन, इन और आइन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें जब हमने एक सब्स्टिट्यूट और साइक्लो इन सब को ऐड करके जो हमारी रिएक्शन लिखी थी उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस करा था। सो एन, इन और आइन। एन हमारा हो जाएगा सिंगल बॉन्ड,
इन हो जाएगा डबल बॉन्ड, जहाँ पर भी अगर हमको सफिक्स यूज़ करना है, और अगर वो सफिक्स हमारा इन तीनों में से आएगा एन इन आई, तो सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड ये आ जाएगा, डबल बॉन्ड में इन और आइन हमारा हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में। सो ये सारी इसमें वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस करा है। आगे के आने वाले वीडियोस में आपको मैं कार्बन कार्बन चेन सेकेंडरी सफिक्स और भी इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के लिए वो सारे डिस्कस करूँगी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही बताऊँगी। आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे के वीडियोस में आप लोगों को IUPAC नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स में बताऊँगी कैसे हम कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं, कैसे नंबरिंग करते हैं, कैसे उसमें सफिक्स ऐड करके एक प्रॉपर आउटपुट रिएक्शन हमारी आती है, तो वो इन वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आज के इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।